अस्सलाम वालेकुम आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत तल्जा से बिजनेस फाइनेंस के फोर्टी फर्स्ट लेक्चर में हो रही है आज का लेक्चर बेसिकली कंटिन्यूशन ही है हमारे पिछले लेक्चर की आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में बात शुरू की थी फाइनेंशियल पॉलिसी की और वो फाइनेंशियल पॉलिसी पॉलिसी बेसिकली शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी क्या उससे पहले हम बात करते चले आ रहे थे कि लॉन्ग टर्म में हम किस तरह जो है फाइनेंसिंग डिसीजंस करते हैं पिछले दो तीन लेक्चर से हमने शुरू किया डिस्कशन ऑन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द द शॉर्ट शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड ऑफ कोर्स टर्म एसेबिलिटीज तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें और फिर आज के नए टॉपिक को जो है वो हम शुरू करेंगे तो पिछले लेक्चर में हम नेटवर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हुए हमने बात शुरू की थी कैश साइकिल की और ऑपरेटिंग साइकिल की हमने ये कहा था कि हम किस तरह जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कैश और किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग लेकिन पहले हमने किया कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जो है बेसिकली इट स्टार्ट विद टाइम जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं एंड इट विद द टाइम जब हम इसे इन्वेंट्री को सेल करके अपने कैश को रिसीव करते हैं इन बिटवीन क्या है देर आर टू टाइम पीरियड एक है हमारा इन्वेंट्री का पीरियड और दूसरा है रिसीवेबल का पीरियड इन्वेंट्री का पीरियड हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम द टाइम वी इक्वायर द इन्वेंट्री एंड देन वी सेल द इन्वेंट्री और रिसीवेबल का पीरियड हमारा शुरू होता है जब हम सेल करते हैं इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट एंड देन वी कलेक्ट द कैश फ्रॉम आर रिसीवेबल्स दोनों को एडअप कर दे तो हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है रिलेटेड टू दाइकल बेसिकली एज अनदर साइकिल कैश साइकिल लेकिन कैश साइकिल को कैलकुलेट करने से पहले वी नीड टू कैलकुलेट दे एबल पीरियड अब पे एबल पीरियड की डेफिनेशन क्या है दाइम वेन वी एक्वायर दी एंड मेक पेमेंट फॉर दी परचेजेस अगर ऑपरेटिंग साइकिल में से हम पेबल साइकिल को माइनस कर दें, तो वी कम अद कैश साइकिल बाईस वेरी डेफिनेशन इज कंसर्न विद टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन दी कैश रिसीट्स एंड दी कैश डिस्बर्समेंट जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो हमारी डिस्बर्समेंट पहले होती है और रिसीट जो है वो बाद में होती है इसलिए हमने ये कहा कि ये हमारे सारे टाइम पीरियड और ये सारी ट्रांजेक्शन जो है दे हैव टू करेक्टरिस्टिक्स एक ये है कि ये अनसिंक्रोनाइज्ड है और दूसरा ये है कि दे आर अनसर्टन अनसिंक्रोनाइज इन देंस कि हमारे डिस्बर्समेंट कैश की और रिसीट की जो है दे डू नॉट अकर एट द सेम टाइम इसलिए हमें गैप को फिल इन करने के लिए वी नीड टू बेसिस और वी नीड टू यूज एग्जिस्टिंग रिजर्व ऑफ द कैश दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि इनका लेवल क्या होना चाहिए द लेवल बेसिकली डिपेंड्स ऑन के हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू शॉर्टन द कैश साइकिल कैश साइकिल को हम किस तरह कम कर सकते हैं दे आर थ्री थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन द कैल्कुलेशन ऑफ द कैश साइकिल इन्वेंट्री पीरियड रिसीवेबल पीरियड एंड दे एबल पीरियड तो हम कैश साइकिल को छोटा कर सकते हैं अगर हमारा इन्वेंट्री पीरियड और रिसीवेबल पीरियड जो है वो छोटा हो जाए और पेएबल पीरियड जो है वो लंबा हो जाए यानी हम पेमेंट्स को डिले कर दें और रिस को जो है वो अर्ली कर दें तो so, हमारा मिनिमम गैप हो जाएगा बिटवीन द कैश रिसीट एंड दैश डिस्बर्समेंट तो दिस वॉज आर प्रीवियस लेक्चर रिलेटेड टू दी कैश एंड अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ आज का लेक्चर बेसिकली इज फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी के हमारे दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट यह है कि कितनी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमारे करंट एसेट के अंदर यानी हमारा लेवल ऑफ रिसीवेबल इन्वेंट्री कैश क्या होना चाहिए और दूसरी एस्पेक्ट है कि इनको किस तरह से हमें फाइनेंस करना चाहिए यदि हमारी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी है वो दो इश्यूज को एड्रेस करती है द फर्स्ट इश्यू इज टू डिटर्मिन ऑप्टिमल लेवल ऑफ द करंट एसेट्स एंड द सेकेंड पार्ट इज कंसर्न विद के इस लेवल को जो हमने कहा कि इज ऑप्टिमल उसको हम किस तरह फाइनेंस करेंगे कौन से सोर्सेस ऑफ हमारे फंड्स होंगे तो हम शुरू करते हैं अपनी पॉलिसीज़ का पहले की देअर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी कि बेसिकली हमारी पॉलिसीज की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं और फिर उसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे एंड विल कंक्लूड विद कैश बजट जो की एक मीन्स है फॉर दाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें हम फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को फोकास्ट करते हैं और डेफिसिट एंड सरप्ल को देखते हुए हम जो है बोरविंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे अब देर कैन बी टू पॉलिसीज इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आर करंट एसेट जैसे कि मैंने पहले कहा कि देर आर टू आस्पेक्ट एक यह है कि साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स को डिटर्मिन करना और दूसरा यह है कि फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज या फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव जो है वो क्या है हमारे करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए द फर्स्ट एरिया जहां पे हम बात करते हैं कि साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स तो इसमें वी कैन फॉलो टू पॉलिसीज एक है हमारी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी एंड दूसरी है हमारी फ्लेक्सीबल पॉलिसी फ्लेक्सीबल पॉलिसी को हम कंजरवेटिव पॉलिसी भी कह सकते हैं एक ऐसा फाइनेंशियल मैनेजर जो कि कंजरवेटिव है इज नॉट इन अ मूड टू टेक मोर रिस्क है या रिस्क अवर्स है तो वो क्या करना चाहेगा कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी नेगेटिव इंसिडेंट वुड लाइक टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स जबकि हमारी रिस्ट्रिक्टेड जो पॉलिसी होगी दैट रिफ्लेक्ट अंशियल मैनेजर हु वो क्या करना चाहेगा लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रखना चाहेगा इन द करंट एसेट सो देव डिफाइंड के साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट देर आर टू पॉलिसीज वन इज फ्लेक्सीबल पॉलिसी और जिसको हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव पॉलिसी और अ पॉलिसी फॉलोड बाय अ रिस्क अवर्स फाइनेंशियल मैनेजर

करंट एसेट एसेट का पहले हमने साइज या लेवल जो है वो डिटर्मिन कर दिया अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या होना चाहिए अगेन एज पर दीज टू पॉलिसीज एक हमारी फ्लेक्सीबल और दूसरी रिस्ट्रिक्टिव क्या होगा कि फ्लेक्सीबल या रिस्ट्रिक्टिव फ्लेक्सिबल या कंजर्वेटिव जो कि एक अवर्स फाइनेंशियल मैनेजर फॉलो करेगा वो क्या करना चाहेगा कि अपने करंट एसेट्स को फाइनेंस करना चाहेगा ज्यादा पोर्शन फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म डेट सो फ्लेक्सिबल पॉलिसी में हमारे पास लेस शॉर्ट टर्म डेट एंड मोर लॉन्ग टर्म डेट। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो कि हमारे एक अग्रेसिव फाइनेंशियल मैनेजर की है ही विल टेक मोर शॉर्ट टर्म डेट एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म डेट दीज आर दी टू पॉलिसी आल्टरनेटिव अब हम किस तरह इसको जो है एग्रेसिव एंड को लेके आगे चलते हैं इससे तो हम क्या करेंगे विल कीप लार्जर कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज बैलेंसेस क्योंकि ये जो है एक रिस्क अवर्स फाइनेंशियल मैनेजर की पॉलिसी है तो ही वुड अवॉइड एनी रिस्क ऑफ बींग आउट ऑफ कैश तो वो ज्यादा बैलेंसेस रखेगा कैश का और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का वेन इट कम्स टू द इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरी में भी वो आउट्स को अवॉइड करने के लिए लार्जर इन्वेस्टमेंट करेगा इन इन्वेंट्री एंड फाइनली रिसीवेबल्स में क्या होगा कि ही विल ऑफर मोर लिबरल टर्म्स एंड देर फोर विल बी हैविंग मोर रिसीवेबल्स ऑन द बैलेंस शीट दूसरी तरफ आते हैं हम कि कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा हमारा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और फाइनेंशियल मैनेजर हमारा फाइनेंशियल मैनेजर डज नॉट अवॉइड द रिस्क ही इज नॉट रिस्क कमर्स रादर ही वुड लाइक टू टेक सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क तो ये क्या करेगा विल कीप लोअर लेवल ऑफ कैश ऑन दी मार्केटेबल सिक्योरिटीज ज्यूमिंग के आइडल कैश जो पड़ा हुआ है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको कहीं और इन्वेस्ट करके उस उसपे इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया जा सकता है वेन इट कम्स टू द इन्वेंटरीज तो इन्वेंट्री की भी लोअर लेवल्स रखेगा बिकॉज ही थिंक्स के लोअर लेवल रखने से उसकी इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी एंड फाइनली रिसीवेबल्स में क्या करेगा ही विल बी ऑफरिंग स्ट्रिक्ट रिसीवेबल और द्रेडिट टर्म्स एंड देर फॉर उसका कलेक्शन पॉलिसी अच्छी होगी एंड ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव कैश एज अर्ज पॉसिबल और बैलेंस शीट के ऊपर लोअर लेवल ऑफ द रिस है वो शो करेंगे ऑप्टिम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दॉर्ट टर्म एस जो हमारा ऑप्टिम लेवल होगा अब ये दो पॉलिसी तो हमारे पास है एक है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी और दूसरी है हमारी फ्लेक्सीबल पॉलिसी अब हमारा ऑप्टिमम लेवल क्या होगा कि ऑप्टिमम लेवल जो है दैट इज अ ट्रेड ऑफ इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन दी फ्लेक्सिबल पॉलिसी एंड द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी वो हमें बताएगा कि हमारे पास कितनी जो है इन्वेस्टमेंट का लेवल होना चाहिए करंट एसेट होल्डिंग्स आर हाइएस्ट फ्लेक्सिबल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी एंड लोएस्ट विद द रिस्ट्रिक्टिव सो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज आर कॉस्टली

रिसीवेबल के साथ भी हमारे बैड डेट के लॉसेस की कॉस्ट जो है वो शामिल है तो इसलिए जब हम फ्लेक्सिबल पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक तरफ तो ये सारी कॉस्ट है लेकिन दूसरी तरफ उसका एडवांटेज भी है एंड वट इज दैट एडवांटेज एडवांटेज ये है कि आप जो है स्टॉक आउट से बच जाते हैं आपकी सेल्स फ्यूचर सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी जब आप ज्यादा अच्छी क्रेडिट टर्म्स ऑफर करेंगे अपने कस्टमर्स को यू विल इंक्रीज द साइज ऑफ योर मार्केट शेयर ऑफ योर मार्केट और कैश जो है विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ़ यूज एंड यू नीड नॉट टू का जल्दी में जब आप बोरो करते हैं इमीजिएट नीड के लिए यू मे एंड अप पेइंग अपर इंटरेस्ट सो दिस रिले टू योर फ्लेक्सीबल पॉलिसी दिन वी टॉक अबाउट दी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या रिस्ट्रिक्टिव शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी रिड्यूसिस फ्यूचर सेल्स लेवल देन अंडर दल पॉलिसी जो हमारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है एक तरफ तो हमें लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स की वजह से सेविंग्स होती है लेकिन दूसरी तरफ उसकी कॉस्ट क्या है उसकी कॉस्ट जो है वो ये है कि रिस्ट्रिक्टेड में हमारे पास कैश की अमाउंट अवेलेबल नहीं होगी एज वन वनडेड इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो सकते हैं इसी तरह वी मे एंड अब लूजिंग मोर कस्टमर बिकॉज ऑफ दिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज इन बिटवीन क्या है वट इज लेवल वी नीड टू टेक अ टेकल ऑफ द रोड स्ट्रेटेजी सो मैनेजिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कैरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट क्या अब हम जब डिसीशन करना है तो इन्हीं पॉलिसीज को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और हम ये देखेंगे कि देर आर टू सेट ऑफ कॉस्ट उन दोनों सेट्स को एनालाइज करने के बाद विल टॉक अबाउट के क्या लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारे करंट एसेट्स में तो वो दो क्या है एक है कैरिंग कॉस्ट और दूसरा है हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्या है कि दे इंक्रीज विद विद्रीज लेवल ऑफ करंट एसेट्स एंड दे आर कॉस्ट टू स्टोर एंड फाइनेंस दी एसेट्स दे आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द करंट एसेट इन्वेंट्रीज वर्सेज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ आ जाती है हमारी शॉर्टेज कॉस्ट अब शॉर्टेज कॉस्ट में क्या शामिल है दे डिक्रीज विद इंक्रीज लेवल ऑफ करंट एसेट दे आर दॉ टू रिप्लेनिश दॉट वॉट आर दी ट्रेडिंग एंड दर्डर कॉस्ट क्या अवाइडिंग स्टॉक आउट और कैश आउट थ्रू मोर फ्रीक्वेंट ऑर्डर एंड दॉ रिलेटेड टू द लैक ऑफ सेफ्टी रिजर्व

The two costs, carrying cost and the shorting cost shortage cost in don we have taken the help of this graph. We are saying that short term financial policy. We have taken the amount of current assets c a stands for the current assets on the x axis, and we have taken the dollars on the y axis as we are increasing the level of our current assets. तो क्या है हमारी शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो कम होती चली जा रही है लेकिन करंट एसेट्स के लेवल बढ़ने से हमारी कैरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है यानी दोनों जो है दे आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है करंट एसेट के लेवल बढ़ने से और हमारी शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है करंट एसेट के कम होने से अगर हम दोनों को एडअप करें तो विल कम अप विद द टोटल कॉस्ट और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम जहां पे होगी दैट शुड बी द द लेवल ऑफ करंट एसेट्स तो टोटल कॉस्ट का जो है हमने देखा इनिशियली इज डाउनवर्ड स्लोपिंग के इफेक्ट ऑफ द शॉर्टेज कॉस्ट इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट रीचेस टू अ मिनिमम पॉइंट एंड देन स्टार्ट इंक्रीजिंग बिकॉज नाउ कैरिंग कॉस्ट जो है वो डोमिनेट कर रही है हमारे शॉर्टेज कॉस्ट को so the minimum point on the total cost of holding current asset jo hai, that is at ca star. so the ca star represents the optimal amount of current assets. holding this amount will minimize the total cost of holding the current assets. Now, any cost ko hum in, in the light of the two policies we just discussed. a our flexible policy. Thi, और दूसरी हमारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी फ्लेक्सिबल पॉलिसी को हमने ये भी कहा था कि दैट इज मोर ऑफ कंजर्वेटिव और मोर कंजर्वेटिव पॉलिसी में हम क्या करना चाह रहे हैं वी आर मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट यानी द लेवल ऑफ द करंट एसेट जो है हम ज्यादा रखना चाहेंगे इसलिए we have reflected this flexible policy on this graph amount of current assets we have taken on the x axis

जो जो करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो कम होती चली जाएंगी टोटल कॉस्ट जो है दे आर फार अवे फ्रॉम आर वाई एक्सेस और ये हम एडअप कर रहे हैं शॉर्टेज कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को तो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट क्या होगा हमारा ऑप्टिमम पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट ऑन दोटल कॉस्ट ऑफ एंड दैट इज सी ए स्टार अब सी ए स्टार अगर हम देखें स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोजन टू ए सी एज अज साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट क्योंकि ये हम बात करें फ्लेक्सीबल पॉलिसी की और इसलिए फ्लेक्सीबल पॉलिसी के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट जो है वो ज्यादा होगी सो अ फ्लेक्सीबल पॉलिसी इज मोस्ट अप्रोप्रिट वेन कैरिंग कॉस्ट आर लो रेलेटिव टू दस्ट कि अगर हम किसी एक ऐसी फर्म की बात कर रहे हैं कि तो उसका स्टॉक आउट होने, होने की वजह से जो लॉस होता है वो ज्यादा है एस कम्पेयर टू दैरिंग अबाउटिबल पॉलिसी और फ्लेक्सिबल पॉलिसी में हमारी इन्वेस्टमेंट इन जो है वो ज्यादा होगी दूसरी पॉलिसी है हमारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में हम ये कहते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्टिंग सम रिस्क टेकिंग बिहेवियर और उसमें हमारे पास जो है कैरिंग कॉस्ट आर हायर देन दी शॉर्टेज कॉस्ट कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है और अगर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इन करंट एसेट तो हमारी कैरिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा होंगी सो ऑन दिस ग्राफ वी हैव टेकन अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स ऑन दी एक्स एक्सेस एंड वी हैव टेकन दी डॉलर अमाउंट ऑन दी वाई एक्सेस आर कैरिंग कॉस्ट आर वेरी हाई स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लोप ऑफ दर्व इज वेरी स्टीप Whereas our shortage costs are less. So the total cost curve is closer to our y axis and the minimum point on our total cost gives us the optimum investment in current asset which is the C A star. So holding a lower level of the current assets. Our restrictive policy is most appropriate when carrying costs are high relative to the shortage costs. तो, ये तो थी हमारी दो तरह की फाइनेंशियल पॉलिसी अब हम देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन कि हम इस लेवल ऑफ करंट एसेट्स को फाइनेंस किस तरह जो है वो करेंगे सो दैट वी आर संग फोकसिंग ऑन दी फाइनेंसिंग साइड ऑफ द पिक्चर, द टोटल एसेट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ग्रोइंग फॉर्म में एग्जिबिट चेंज ओवर टाइम फॉर मेनी रीजन एंड वी हैव लिस्टेड थ्री रीजन ए जनरल ग्रोथ ट्रेंड सीजनल वेरिएशन अराउंड दी ट्रेंड एंड अनप्रोडिक्टेबल डे टू डे एंड मंथ टू मंथ फ्लक्स क्या हमारे पास जो है करंट एसे इन्वेस्टमेंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करेगी देर थ्री रीजन बिहाइंड एक ये है कि जनरल ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड की वजह से ग्रो करेगी दूसरा जो है हमारे पास डे टू डे मंथ टू मंथ चेंजेस की वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है एंड थर्डली अनप्रोडिक्टेबल देयर नंबर बिफोर वी गो इन टू दर्दर डिटेलिंग एस्पेक्ट ऑफ द एसेट हमें करंट एसेट्स को तीन कैटेगरीज़ में डिफाइन करते हैं नॉर्मली फ्रॉम दसिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक है हमारी टेम्परेरी करंट एसेट ये जो हमारे टेम्परेरी करंट एसेट है सीजनल कॉम्पोनेट कि अप्स एंड डाउन जो हमारी सेल्स में आती हैं उसको कवर अप करने के लिए जो लेवल ऑफ करंट एसेट हम रखते हैं दे आर दरी करंट एसे टेम्परेरी करंट सेल्स और रिक्वायर्ड एसे बिल्डअप सीजनल दी एडिशनल करंट एसेट्स कैरिड ड्यूरिंग पीक टाइम एंड द करंट विल डिक्रीज एज सेल्स उसके बाद आता है हमारे दूसरी कैटेगरी ऑफ द करंट एसेड जिसको हम कहते हैं परमानेंट करंट एसेट्स अब परमानेंट करंट एसेट्स जो है हमारे दे आर करंट एसेट्स जो कि हर वक्त फॉर्म ने मेंटेन करने हैं टू रन देयर शो इन एन ऑर्डरली फैशन इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स हैं जो हर वक्त फॉर्म जो है वो मेंटेन करती है required level of cash reserves required level of inventory and the required level of receivables jo ke har firm apne rakhna hai. more formally we say ke the permanent current assets are the assets firm generally need to carry a minimum level of current assets at all times these assets are considered permanent because the level is constant not because the assets aren't sold i mean in no no जब हम अप करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं टोटल करंट एसेट्स हम ये कहते हैं कि ए फॉर्म के लिए जो करंट एसेट्स हैं, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक है टेम्परे करंट एसेट्स और दूसरा है परमानेंट करंट एसेट्स। अब हम देखना चाहेंगे कि इनको हम जो है फाइनेंस किस तरह करते हैं तो इसके लिए वी हैव ड्रॉन अ पर्टिकुलर ग्राफ एंड हेयर वी हैउंट ऑन दी वाई एक्सेस हमारे जो टोटल एसेट रिक्वायरमेंट है दैट इज गिवन इन बिटवीन द लाइन जो कि टाइम को रिफ्लेक्ट करती है एक्स एक्सेस पे एंड देन स्ट्रेट लाइन विच इज गोइंग स्ट्रेट फ्रॉम वाई टू एक्स जनरल ग्रोथ इन दिक्कस रिक्वायरमेंट उसके बाद लुक एट दाइन इट है

फ्लेक्सिबल बेसिकली रिफ्लेक्स कंजर्वेटिव जिसमें हमारे पास हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन दी करंट एसेट्स तो उसमें हम जो है वो रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं ऑल टाइम तो हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे पास एक है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और दूसरी है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग तो हम क्या करना चाहेंगे कि अपने फिक्स्ड एसेट को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से करेंगे फाइनेंस परमानेंट एसेट्स को भी लॉन्ग टर्म एसेट डेट से फाइनेंस करेंगे लेकिन जो हमारे टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं उनको भी वी मे लाइक टू फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म डेट सो लेट्स लुक एट दिस ग्राफ य पॉलिसी एफ फ्लेक्सीबल पॉलिसी और कंजर्वेटिव पॉलिसी टाइम पीरियड ऑन द एक्स एक्सेस एंडलर ऑन आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर अनिड ब्लू लाइन एंड देन आर रेड लाइन बेसिकली रिफ्लेक्ट सीज़नल वेरिएशन तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी टोटल एसेड रिक्वायरमेंट विच इज रिफ्लेक्टेड विद लाइन एट टाइम्स इट इज इवन लेस देन दर्किटेबल सिक्योरिटीज और सारे के सारे को ब्लू लाइन इज रिफ्लेक्टिंग दी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग तो हम सारी अपने सीजनल वेरिएशन को टेम्परे करंट एसेट्स को एंड परमानेंट करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस कर रहे हैं सो दॉलिस एफ ऑलवेज इम्प्लाइज अ शॉर्ट टर्म कैश साल प्लस एंड अ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज फिर हम आते हैं दूसरी पॉलिसी की तरफ विच इज द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी

ज द करंट एसेट्स विच आर फाइनेंसिंग हमने सीजनल नीड को फाइनेंस किया है शॉर्ट टर्म से और परमानेंट नीड्स को लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस किया है सो पॉलिसी आर यूजेज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर परमानेंट एसे रिक्वायरमेंट्स ओनली एंड दर्म बॉर्विंग फॉर दीजनल वेरिएशन बट बेसिकली इज द बेस्ट पॉलिसी आर बी बेटर ऑफ विद रिट्रिक्टिव पॉलिसी और We are better off with the flexible policy, so before we make a decision on this, we need to look at the pros and the cons of having more cash. having more cash you have benefits kya hai? firms will be less likely to experience financial distress and are better able to handle emergencies or take advantage of unexpected opportunities. फर्म जो है कभी भी उसको एज एन वन नीडेड बेसिस पे कैश जो है फॉरन उसकी शॉर्टफॉल नहीं आएगी और अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो फर्म जो है उसमें उस कैश को इन्वेस्ट कर देगी देन वट आर दी दी कॉन्स डिसएडवांटेजेस के कैश एंड सिक्योरिटीज अ लोअर रिटर्न एंड आर जीरो एन पीवी इन्वेस्टमेंट क्या अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी, भी रेट जो होता है हमेशा लो होता है और अगर कैश को भी रखते हैं तो इट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास अगर हम एनपीवी की बात करें तो इट हैजीरो मेच्योरिटी है ट्राई टू मैच फाइनेंसिंग मेच्योरिटीज एसेट मेच्योरिटीज यानी अगर एसेट जो है उनकी मेच्योरिटी बहुत थोड़ी है तो यू शुड यूज दर्म तो सीजनल वेरिएशन जो हमने अभी कहा था जिसको हम कहते हैं कि टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं, उनको हमें फाइनेंस करना चाहिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग से जबकि परमानेंट करंट एसेट्स को हमें फाइनेंस करना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग से सो फाइनेंस टेम्परेरी करंट एसेट्स विदर्ट टर्म डेट एंड फाइनेंस परमानेंट करंट एसेट एंडिक्स एसेट विद डेट एंड दिटी Then we come to the interest rates. about short term and long term loans, debt, we need to keep an eye on the cost of the debt as well. So, the cost of the debt basically is the interest we pay on the short term borrowing and the long term borrowing. So, short term rates are normally lower than the long term rates. So, it may be cheaper to finance even the permanent current assets with the short term borrowing.

The uppermost line reflects the flexible policy, where we are using the long-term debt to finance the temporary as well as the permanent current assets. In between, we have what? We have the compromise. The compromise is where we have a portion of the current assets financed by the debt, and a portion of the current asset is financed by the short-term debt. Long-term debt se kuch portion finance ho raha hai or कुछ पोर्शन जो है वो फाइनेंस हो रहा है शॉर्ट टर्म डेट से तो कंप्रोमाइज पॉलिसी को अगर हम देखें तो वी हैल कंपोनेंट है हमारे पास उसका हाफ वे थ्रू दैट लाइन इज गोइंग सो टोटल सीजनल वेरिएशन का एक पोर्शन जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से हो रहा है और एक पोर्शन जो है दैट इज विद दॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सो विद कम्प्रोमाइज पॉलिसी दी फम कीप्स आर रिजर्व ऑफ लिक्विडिटी

करंट एसेट बाय यूजिंग दी शॉर्ट दर्म तो ये तो था हमारी मुख्तलिफ पॉलिसीज और हम ये देखना चाह रहे थे कि इन पॉलिसीज को फॉलो करके हमारी करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होना चाहिए और फिर यह है कि हमारी करंट एसेट्स का वो लेवल जो है वो किस तरह से हमें फाइनेंस करना चाहिए तो अब हम जाते हैं प्लानिंग की तरफ कैश प्लानिंग में जो सबसे बेहतरीन डिवाइस है दैट इज देश बजट कैश बजट क्या है जैसे हम आम रूटीन में हम अपने बजट की बात करते हैं तो बजट हमेशा डील्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स आर इनकम एंड द एक्सपेंडिचर जब हम गवर्नमेंट बजट की भी बात करते हैं डू वी गेट देयर कि टोटल रेवन्यू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट की क्या होगी फॉर कमिंग ईयर एंड उसकी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर क्या होंगे ऑन डिफरेंट हेड्स अब इसी तरह फॉर्म्स जो है दे ऑल्सो मेक कैश बजट टू प्लान ऑन कैश रिक्वायरमेंट दो कंपोनेंट है जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं अपने कैश बजट में एक है कैश इनफ्लो और द कैश रिसीट और दूसरे है कैश आउटफ्लो या कैश डिस्बर्समेंट दे आर बोथ एक्सपेक्टेड सो फोकास्ट ऑफ द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर द नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्लानिंग पीरियड इज नोन एज द कैश बजट सो दिस बेसिकली प्राइमरी टूल इन प्लानिंग फॉर दर्म नीड ऑफ दैश ऑफ ए फर्म और फर्म अगर हम फ्यूचर में फोकास्ट कर रहे हैं कैश इन फ्लो और हमारे टोटल कैश इनफ्लो फोरकास्टेड इनफ्लोज आर मोर देन दस्टेड आउटफ्लो तो क्या है वी हैव अश सरप्लस उस कैश सरप्लस को हम यूज कर सकते हैं इन in समेस्टमेंट एंड वी कैन अन रिटर्न ऑन एट इसलिए अगर आज ही से हम प्लान करें तो वी कैन एंगेज आवर सेल्व इन टू दैट प्रोफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ अगरियो ये डेवेलप होता है कि हमारे कैश आउटफ्लोज फोरकास्टेड कैश आउटफ्लोज और मोर देन दस्टेड कैश इनफ्लोज तो वी हैव अटेज ऑफ दैश सो इन टू हैव द स्मूथ सेलिंग इन आर बिजनेस एक्टिविटी तो हम क्या करेंगे कि वो जो शॉर्टफॉल है कैश की विल ट्राई टू अरेन्ज फॉर अ शॉर्ट टर्म बॉर्निंग नॉर्मली कैश बजट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस पे हम कैश प्लानिंग करते हैं बट हमारे वही कैश बजट जो है वीकली मंथली एंड बाय मंथली बेसिस पे भी तैयार किए जा सकते हैं हमारी बेसिक टेक्निक्स रिमेन्स दी सेम कि सबसे पहले हम फोकास्ट करते हैं अपने फ्यूचर कैश इनफ्लोस को और फिर हम फोकास्ट करते हैं अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोस को और दोनों का जो डिफरेंस है दैट रिफ्लेक्ट कैश सरप्लस और कैश डेफिसिट सो मोर फॉर्मली कैश बजट अलाउज अ कंपनी टू प्लान अहेड हेड एंड बिगिन दर्च फॉर फाइनेंसिंग बिफोर द मनी इज एक्चुअली नीडेड And it also records the estimates of the cash receipts, the cash which is coming in and the disbursement, the cash which is leaving. Now this preparation of the cash budget, ko, we would like to explain with the help of an example. Now this example, we that ke cash budget hai, that is prepared on quarterly basis. So let's look at the information. So we have PT incorporation specializes in twice and receives all income from sales. our sales estimates are in millions. the first quarter estimates are 500 million, second quarter 600, third quarter is 650, and the fourth quarter is equal to 800. and the first quarter of the following year, Yannicka, next year, is equal to 550. these are the sales. then we have the information on accounts receivables. At the beginning of the year or the beginning of the first quarter, we have the receivables equal to 250 million and the average collection period is equal to 30 days. Yani after every 30 days, firm is in a position to collect the cash. Iske baad information hai on the accounts payable, yani disbursement. Ye side cover kar rahi thi cash inflows. Ko. अब हम बात कर रहे हैं कैश डिस्बर्समेंट या कैश आउटफ्लो को तो वी हैव अकाउंट्स पेएबल परचेजेस आर 50% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर सेल यानी जो हम परचेजेस करेंगे वो अगले क्वार्टर की सेल्स की 50% है एंड वी हैव द सेल्स फिगर अवेलेबल बिगनिंग पेएबल्स आर 125 मिलियन एंड आर अकाउंट्स पेएबल पीरियड इज 45 डेज के अकाउंट्स पेएबल्स में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले यह है कि कितनी लेवल है पेएबल का दैट इज फोर्टी परसेंट ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर फिर यह है कि बिगनिंग में हमारे पास बैलेंस कितना है और उसके बाद यह है कि हम कितने दिनों के बाद जो है पेएबल जो है वो पे करेंगे 45 डेज के बाद जो है हम डिस्बर्समेंट करेंगे यानी एक क्वार्टर के अंदर 90 डेज है तो विद इन अ क्वार्टर जो है हम दो दफा जो है वो पेएबल करेंगे देन वी टॉक अबाउट द अदर एक्सपेंसेस or the other disbursements. So other expenses may be have wages, taxes, and other expenses are 25% of the sales. Sales figure is given, so we can calculate the other expenses as 25% of the sales figure. Interest and the dividend payments are $50 per quarter. A major capital expenditure of $200 is expected in the second quarter. And that basically is one time and that will only take place in the second quarter. and finally, the initial cash balance is $100, and the company maintains a minimum balance of $50. Yani, at the beginning of the quarter 1, cash is, jo hai, that is $100. our firm policy, that $100, quarter ke and pe $50. Yani $50 million ka cash, jo hai, wo balance, mein hai. with this information, let's try to forecast the receipts.

क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि तीस दिन के बाद हमने कलेक्ट करने हैं तो हमारे पास इस वक्त जो रिसीवेबल्स हैं 250 के वो तीस दिन के बाद कलेक्ट हो जाएंगे एंड दे विल टेक प्लेस इन दर्स्ट क्वार्टर ओनली तो ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो क्या होगा वी हैव कैश कलेक्शन एंड वी हैव टेकन क्वार्टर वन क्यू वन इज क्वार्टर वन क्यू टू इज क्वार्टर टू क्यू थ्री इज क्वार्टर थ्री एंड क्यू फोर इज क्वार्टर फोर बिगनिंग रिसीवेबल्स आर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड देन सेल्स फॉर द्वार्टर फाइव हंड्रेड अब कैश कलेक्शन कितनी होंगी हमारे पास फाइव हंड्रेड एंड एटी थ्री और हमारे पास एंडिंग रिशीवेबल क्या होंगे हाउ है इस फाइव हंड्रेड का टू थर्ड कलेक्ट होना है हमारे इस पीरियड में सो टू थर्ड ऑफ दंड्रेड प्लस टू फिफ्टी जो है दैट इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड एंड एटी थ्री अब 583 के बाद जो हमारे पास एंडिंग रिसीवेबल है दे आर वन थर्ड ऑफ फाइव हंड्रेड विच इज हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड सिक्स जो है एक तो हमें ये 167 सिक्सटी सेवन रिसीव होंगे एंड देन सेल्स कितनी है सेकंड क्वार्टर की 600. सो टू थर्ड ऑफ दिक्स हंड्रेड हमें मिलेगा प्लस वन सिक्सटी सेवन मिलेगा टू थर्ड ऑफ सिक्स हंड्रेड इज बेसिकली फोर हंड्रेड प्लस वन सिक्सटी सेवन पिछले क्वार्टर के रिसीवेबल्स टोटल कैश कलेक्शन जो होंगी वो फाइव सिक्सटी सेवन होंगी अब हमारे रिसीवेबल्स कितने होंगे एंडिंग फॉर दिस क्वार्टर सिक्स हंड्रेड में से फोर हंड्रेड मिल गया सो दिसबल्स आर टू हंड्रेड नव दीज टू हंड्रेड विल बी कैरिड फॉरवर्ड एज द बिगनिंग रिसीवेबल फॉर द क्वार्टर नंबर थ्री And the sales for the third quarter are 650. So, 650 ka 2 third jo hai. Wo hum collect in the third quarter. So, 2 third of the 650 plus 200 is equal to 633, which is our cash collections. Ending balance, amaripas receivables ka kya hai? 1 -third of 650, which is equal to 217 the ending receivable ka balance will become the beginning receivable balance in quarter number 4 and the sales for the fourth quarter is 800 million uska 2/3 we will be collecting in this quarter 2 -third of 800 plus 217 is equal to 750 as our cash collections and the ending balance of the receivable at the end of the quarter number 4 will be 267 which we have calculated as वन बाय थ्री ऑफ एट हंड्रेड या वन थर्ड ऑफ दी दंड्रेड विच इज दिल सो अब हमने बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमने कैश कलेक्शन या कैश इन फ्लो जो है वो फोरकास्ट कर लिए फॉर ऑल ऑफ दिस फोर क्वार्टर नाउ वी मूव टूवर्ड्स दी कैश डिस्बर्समेंट उसके लिए हमें पेएबल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए वेजेस वगैरह की इंफॉर्मेशन चाहिए सो दैट वी हैव डन हे एबल्स पीरियड इज फोर्टी फाइव डेज so half of the purchases will be paid for each quarter and the remaining will be paid the following quarter. and the beginning payables are equal to 125. have cash disbursement time. first quarter may abhamalpa's payables have balance 275. wages, taxes and other expenses we have taken as certain percentage of the sales. And they come out to be 125. Capital expenditures are nil in the first quarter. Interest and the dividend payments are 50 million every quarter. And the total cash disbursements are 275 plus 125 plus 50 is equal to 450. Then for the second quarter, our accounts payables are 438. Wages and taxes are 150. Now the capital expenditures 200 and the interest and the dividend payments are 50 and the total disbursements are 838. Third quarter we have payments of accounts 362, wages 163, no capital expenditure, interest and dividend payments 50 and the total cash disbursements of 575. Fourth quarter we have payments of account 338, Wages and taxes 200, capital expenditures nil, interest and the dividend payments 50, and the total cash disbursements are 588. pichle in nono table say we have the cash inflows and we have the cash outflow. Now we are coming to the bottom line, and that is preparing a cash budget. So that we have prepared on this slide. Net cash inflow first quarter we have total cash collections or the inflows 583 we have the total cash disbursement 450 so the inflows are more than the outflows so we have net cash inflow of 133 second quarter may we have total cash collections of 567 total cash disbursement of 838 disbursements are more than the collections so we have negative inflow of 271 or the shortfall. third quarter 633 is the collection. 575 is the disbursement and we have net cash inflow of 58. fourth quarter may cash collections are 750, cash disbursements are 588 and we have a surplus of 162. of overall paas cumulative picture, kahogi for the entire year that we have reflected, in this slide. The beginning cash balance first quarter is given as 100. Net cash inflow is 133. Ending cash balance is 233, and we need to maintain a minimum balance of 50. So we subtract 50 from it and the cumulative surplus is 183. Second quarter mein, beginning cash balance is 233. jo ending cash balance quarter one ka. That becomes the beginning cash balance. Net cash inflow is minus 271. Ending cash balance is minus 38. And the minimum cash balance requirement is minus 50. So cumulative total deficit is minus 88. Now, third quarter ka beginning balance is negative 38, which is the ending balance of the quarter number 2. Net cash inflow 58, ending cash balance is 20, now our minimum requirement is 50 key. So, minus 50 gives us cumulative deficit of minus 30. Quarter number 4, beginning balance is 20 million, which is the ending balance of quarter number 3. 162 is the net cash inflow, ending cash balance is 182, minimum is minus 50 and the cumulative surplus is 132.

we need to borrow on the the short term basis and that basically is the use of our cash budget अगले लेक्चर में इंशाला हम बात करेंगे borrowing जो है हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से सोर्सेज finance टू फाइनेंस दिस इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करूं आई वुड लाइक टू समराइज कि हमने आज क्या क्या टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं तो बेसिकली आज हमने बात की है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव एंड अग्रेसिव दो पॉलिसीज जो होती हैं, उनको हम फॉलो करके वी ट्राई टू डिटर्मिन कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट क्या होना चाहिए और हमें उस लेवल को किस तरह से फाइनेंस करना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में वी कीप लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स एंड वी फाइनेंस आर एसेट्स पार्शलिटी कर लॉन्ग टर्म बॉर्विंग जबकि फ्लेक्सीबल पॉलिसी में वी कीप अर लेवल ऑफ करंट एसेट्स एंड वी फाइनेंस आर एसेट्स विद डेप इन बिटवीन वी हैवे कंप्रोमाइज पॉलिसी जिसमें हम ये कहते हैं Certain portion of the current asset should be financed by the short term borrowing and the short, certain portion should be financed by the long term borrowing. Then we need to strike a balance. Uske baad planning device cash budget. How can we utilize cash budget for planning purposes? Cash budget basically is based on the forecast of cash inflows and the cash outflows. Based on certain information, which is the sales and the receivable and the average collection period, we can calculate the expected cash inflows. Then, based on certain information, we deal with the purchases, the payable period, our expenditures, and our capital and the current expenditure.

तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर अब इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज